तल हाँ ग्रीन टी लिख दियो। अब मखाना, मखाना खूब सारा। लावण्या आपके लिए कुछ मंगा दूं? अरे जूस मंगा लो, इसके खातिर सुगर फ्री। सॉरी अर्णव बाबा, वो आपके लिए कॉफी। आज तो मॉर्निंग मॉर्निंग मां जय प्रकाश हेलो हाय से बाय बाय हुई गवा। कोई बात नहीं, दूसरे लियो। हेलो हाय बाय बाय अंजलि, तनी विंडो खोल के देख ले हो, कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं राइज किया है ना? क्या करे भगवान। देवरा मैं कर दे। अम्मा अब बाहर जाके मेज लगाइए ना, हम देखते हैं यहाँ का। ओहो बेटियाँ, छोटी हो तो परेशानी और बड़ी हो तो भी परेशानी, एक यहाँ तू है और वहाँ वो तूफान। जब देखो हट जाइए हट जाइए हट जाइए, प्लेटफॉर्म नंबर 9 की गाड़ी पूरी एक्सप्रेस स्टेशन पर आ रही है, जल्दी 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 दीदी। यात्रीगण बूढ़िया जल्दी से डिब्बे में बैठे, क्योंकि अब ये एक्सप्रेस सिर्फ थाली में और फिर जाकर हमारे पेट में रुकेगी। एक मिनट, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं चीची, हम ठीक नहीं है, हम तो खुशी है। खुशी? कल तो जैसे तुम्हारा जहाज डूब गया था और आज तुम हवाई उड़ा रही हो, क्या हुआ? अरे चीची हम ठीक है, बस एक बात हमारे गले से अब तक उतरी नहीं है और हमारे गले में अटक के हमारी दिमाग की घंटियां बजा रही है। हम क्या फुसर फुसर चल रही है तुम दोनों की? खुशी पक्का तुम पूरियां दबाने के चक्कर में हो, है ना? अरे नहीं अम्मा, हम तो बस जीजी से यही पूछ रहे थे कि हमारी अम्मा की खूबसूरती का राज क्या है। पता नहीं जीजी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं तुम्हें, एक दिन जीजी घर के बाहर है और तुम्हारी बदमाशियां शुरू, है ना खुशी? जब देखो बदमाशियां करती रहती है। अब पता क्या हुआ? तो हम ये कह रहे थे कि जो बात हमारे गले से अब तक उतरी नहीं है वो ये है कि सूरज आखिर पश्चिम से निकला कैसे, वो अखरू सिंह लॉर्ड गवर्नर ने हमसे माफी कैसे मांगी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जी जी नवरात्रि के व्रत के लिए तुम मेवे वाले आलू बनाओगी ना? I'm really sorry. और तू? नहीं। हम चलते हैं अम्मा। आते हैं जीजी। अरे खुशी दुपट्टा कहाँ ऐसे ओढ़े हैं? वो हमें बहुत ठंड लग रही है अम्मा। हाँ खुशी, गर्मी में ठंड, रात में चाय और ठंड में बरामदे में बैठे हैं। सही कहे जीजी, बिल्कुल सही नाम रखे हैं, सनका देवी।
चल थोड़ा सा खाएगी। अब आपके हाथों से ये ले। पाई लिया? तेरे बाबूजी कहाँ हैं? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चल दिए। अम्मा टहलने गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये ले देवी। श्याम मनोहर झा, इस कोर्ट परिसर में खड़े हुए हर एक आम इंसान की जुबान पर उन्हीं का नाम होगा, क्योंकि उन सभी को श्याम बाबू ने कभी ना कभी मदद जरूर की हो। आम इंसानों को उनका हक दिलाने के लिए मशहूर है श्याम बाबू। और श्याम बाबू का परिवार वगैरह? जी परिवार का तो ऐसा है, लेकिन आप उनके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? वो हमको भी वकील करना है, सुने हैं ना उनके बारे में, पर सोचे थे कि कोर्ट कचहरी का मामला है तो ठोक बजा के देख ले। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए। है कहाँ के वैसे? है तो यहीं के, परिवार वगैरह सब यहीं का है। जहाँ तक मुझे मालूम है बड़े सुलझे हुए हैं, मतलब पारिवारिक किस्म के इंसान हैं। वकील साहब। जी एक मिनट में आया मैं। ये क्या बात हुई? दिल्ली के रहने वाले हैं तो फिर पीजी में काहे रह रहे? जमीन ही होगा। हेलो हाय बाय बाय और नो पिटवा नो गुस्सा। जेसन मनोरमा विदाउट इंग्लिश। और नानी ये भी तो देखिए, अन्या जी की वजह से छोटे में कितना बदलाव आ गया। गुस्सा ठंडा हो गया, मन शांत हो गया। वो सब तो ठीक है अंजलि बिटिया, शायद असर ठीक से नहीं हुआ है। काहे के छोटे ब्याह के लिए हाँ भी तो नहीं किए है। एक बात और, ये जो बदलाव आप महसूस करते हैं उसका कारण है खुशी बिटिया ने मिस कश्यप में बदलाव लाया है। और आप भी मिस कश्यप ई भुलावे में नहीं आइएगा कि भारतीय कपड़े पहनकर और छोटे पर ब्याह का दबाव डालकर आपने हमारा दिल जीत लिया। ई काम इतना आसान नहीं है। अंजलि बिटिया, हमका तो ई बात का भी पता नहीं लग रहा है कि आखिर छोटे चाहत का है। एक तो गलत लड़की लाए हैं, ऊपर से उनके साथ ब्याह भी नहीं रचा रहे हैं, और ये सब कब तक चलेगा? कब तक चलेगा मतलब? लावण्य हमारे बीच ऐसे ही तय हुआ था और ऐसे ही रहेगा। लावण्य ये सब क्या है? तुम मेरी वाइफ नहीं हो। पर एसर मैं ना तो ही कभी बनूंगी। इस प्यार